हाय गाइस, आई एम सो हैप्पी क्योंकि आज 15th अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, एंड व्हाट बेटर देन सेलिब्रेटिंग इट विद समवन हु हैज फाउंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिचुएशन दैट शी वाज इन, थैंक्स टू हर ग्रिट, हर विल एंड हर अबिलिटी टू रीच आउट टू पीपल एट द टाइम दैट शी नीडेड इट. एंड आई थॉट इट वाज अ वेरी ब्रेव थिंग व्हाट शगुफ्ता अली डिड, अ वेटरन एक्ट्रेस फ्रॉम टेलीविजन एंड ऑल्सो फ्रॉम फिल्म्स. And I'm so happy to have her on my channel. Shagufta ji, welcome to my channel. And firstly, a very happy Independence Day to you. थैंक यू रौनक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू सो मच. तो शगुफ्ता जी, मैंने जैसे आपको बताया फोन पे कि मैं बहुत खुश था जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि आपको फिर से काम मिलना शुरू हो चुका है और यू आर जी बैक टू वेर यू बिलोंग, विच इज ऑन द सेट्स. तो थोड़ा बताइए इसके बारे में. जी दरअसल बहुत अचानक से फोन आया अविनाश ध्यानी जी का. दो आई नो हिम फॉर क्वाइट सम टाइम. बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं और जो मेरे मैनेजर हैं बाऊ भाई ठीबा जी, वो भी बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं. तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप शूट कर सकें तो आई वुड लाइक यू टू बी देयर इन देहरादून. सो थोड़ा मुझे एकदम से तो देहरादून का सुन के कि ट्रैवल करके जाना है ऐसे माहौल में, बट लकीली आई एम वैक्सीनेटेड बोथ द टाइम्स. मेरे सेकेंड डोज भी हो चुका है तो आई वॉज कम्फर्टेबल दैट वे. और उन्होंने कहा कि मैं फोन पर ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाह रहा, आप बस आ जाइए, मैं टिकट्स वगैरह का इंतजाम कर देता हूँ और मेरी फिल्म में ऐसे ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल निकल के आया है और बहुत जल्दी मुझे रिलीज भी करनी है. सो वो कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगेगा आंखें, तो मेरे लिए वही हिसाब हो गया कि आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई सेड दिस वॉज लाइक गॉड सेंड, यू नो, एंड आई रियली ब्लेस अविनाश फॉर इट के उसने, हालांकि वो कोई भी दूसरे आर्टिस्ट को लेकर शायद मेरे ख्याल में काम करवा सकते थे जहां तक मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन उनका खास मुझे फोन करना और मुझे ये ऑफर देना, भले ही 2 दिन का काम था लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल थी काम करते वक्त. मैंने डॉक्टर से परमिशन भी ले ली थी तो उन्होंने जाहिर यही कहा कि आप ओवर बेशक एक्सर्ट. जाइए लेकिन जो भी कि हाँ कि ज्यादा एक्सर्शन मत लीजिएगा, जो नॉर्मल बोल सकते हैं डॉक्टर्स के भाई, मतलब जो भी आपका आंख का भी इलाज चल रहा है तो ड्रॉप्स वगैरह डालिएगा, एहतियात कीजिएगा. तो वो सारी चीजों को मैंने फॉलो किया और वहां पर अविनाश ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा. काफी सारे जितने यूनिट में थे, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि जो हीरोइन है फिल्म की संस्कृति, उसने भी बहुत ख्याल रखा मेरा, बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह संभाल रहे थे वो लोग मुझे. सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर. बहुत बिल्कुल होम वाली फीलिंग थी. मम्मी थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन माशाल्लाह शी वॉज ऑल्सो हैप्पी एट द वेरी सेम टाइम कि चलो भाई ट्रैवल विद यू, काम की शुरुआत तो हुई. आपकी मम्मी ने ट्रैवल किया आपके साथ? नहीं, मम्मी ने नहीं ट्रैवल किया, मेरी नीस गई थी मेरे साथ में ओके क्योंकि हेयर ड्रेसर वॉज नॉट वेल, शी हैड फीवर, सो आई कुडंट हैव टेकन हर विथ मी. तो जाहिर है मेरे साथ कोई ना कोई तो एस्कॉर्ट जाना जरूरी था, तो मेरी नीस है, मेरी भतीजी है सबा, वो मेरे साथ गई थी. आगे का तो मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ कि राइट भाई अगर ये जैसे हो गया अचानक, बिल्कुल एक अचानक हुआ, वैसे ही अगर आगे काम बढ़ना होगा तो इंशाल्लाह आई एम श्योर अल्लाह इज गोइंग टू बी काइंड टू मी, इज ऑलवेज बीन काइंड टू मी. तो आगे भी मुझे कुछ ना बिल्कुल. कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे ही आएंगे जरूर. आई हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. आई एम श्योर आप डांस दीवाने ये जो शो चलता है उसमें भी आप गई थी, तो वहां से भी काफी विजिबिलिटी आपको इस वक्त मिली होगी, राइट? जी, डांस दीवाने के वक्त भी जो मुझे बुलाया उन्होंने, हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था जो उन्होंने मुझे चेक दिया एज अ गिफ्ट कि भाई पूरी टीम की तरफ से ये गिफ्ट हम देते हैं. तो वो मेरे लिए रौनक, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सिर्फ एज अ गेस्ट के तौर पे मैंने सोचा कि शायद बुला रहे हैं क्योंकि ये लोग तो फिल्म स्टार्स को और बड़े स्टार्स को बुलाते हैं मुझे शायद ऐसे ही ऑनर करने के लिए, और मैं वाकई डांस दीवानी की बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे बच्चों की, सारे कंटेस्टेंट्स की, अच्छा तो मैंने सोचा शायद उस वजह से बुला रहे हैं. लेकिन इट वॉज अ ह्यूज ह्यूज शॉकिंग सरप्राइज फॉर मी कि उन्होंने वहां पर ये जो मेरी हेल्प की, विच वॉज वेरी वेरी काइंड ऑफ द प्रोडक्शन हाउस एंड द एंटायर टीम, एंड आई रियली थैंक दीप्ति जिसने सब कुछ किया था. एंड उससे बहुत कुछ मतलब एक शुरुआत हुई मेरी, फाइनेंशियल हेल्प की भी मेरी शुरुआत हुई. करेक्ट करेक्ट. तो शगुप्ता जी, आप
इसीलिए आप कैमरा पे नहीं आ रही हैं, बिकॉज जैसा आप सब जानते होंगे शायद दैट शी हैज ग्लॉकोमा, आई का प्रॉब्लम जो आंखों में डायबिटीज की वजह से होता है, जो मेरे पापा को भी है. तो मेरे लिए तो बहुत ही पर्सनल सी चीज है, घर पे मैंने देखा हुआ है मेरे पापा की एक आंख चली गई है. तो आप जब वहां सेट्स पे थी तो आप कैसे मैनेज किया आपने कैमरा फेस करना? मुझे क्योंकि पहले डॉक्टर्स को भी यही पता था कि पहले जो हमारी लाइटिंग होती थी काफी हार्श हुआ करती थी, रिफ्लेक्टर्स यूज होते थे आउटडोर में या इंडोर भी काफी बड़ी लाइट्स इस्तेमाल की जाती थी, जबकि अब जो है लाइटिंग का स्टाइल काफी चेंज हो गया है रौनक. तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगा, मैंने जितनी एहतियात थी कि हाँ शॉट खत्म होते ही मैं चश्मा भी पहन लेती थी और दिन में जो भी ड्रॉप्स डालने को कही थी डॉक्टर ने वो मैं फॉलो कर रही थी अच्छी तरह से, तो इसलिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं आई. और मतलब दिल में थोड़ी सी घबराहट थी ऑनेस्टली कहूँ तो, थोड़ा सा फील इनिशियली मैंने एक दो शॉट्स में फील किया, लेकिन उसके बाद फिर वो बोलते ना पुराने जो हमारे हम पुराने लोगों में जो एक वो बात है कि एक बार काम शुरू हो जाए तो फिर कहीं ध्यान नहीं जाता हमारा, फिर वो टोटल ध्यान जो है काम पर ही रहता इतने है. सालों तो बाद मुझे आपने बहुत कैमरा फेस किया? तकरीबन 4 साल के बाद कैमरा फेस किया, तो अच्छा. रौनक इट वॉज अ प्योर डिलाइट फॉर मी एंड आई वॉज लाइक अ बेबी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, के आई वॉज सो हैप्पी फेसिंग द कैमरा एंड डूइंग माई सीन के हकीकत में. और लकीली टच वुड, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि कोई तकलीफ भी नहीं हुई मुझे, लेकिन हाँ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक मुझसे नहीं करवाई इन्होंने कोई चीज, राइट राइट. मतलब छोटे छोटे शॉट्स थे, क्लोजअप्स अलग लिए, टू शॉट्स अलग लिए, तो काफी मतलब उस तरह से मुझे हेल्प हो गई. एंड आई रियली हैव दिस थिंग इन माई हार्ट एंड माइंड के बस बाकी सबकी जैसे आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहें तो मैं आगे भी मेरी जंग जाहिर है लड़ती रहूंगी मैं, और मैं काम करना चाहता ही हूँ कि अच्छा और बेहतर काम करूं और भी. ऑफ कोर्स. और आपकी कहानी जो है वो ऑब्वियसली यू नो इट टच्ड अ लॉट ऑफ हार्ट्स इवन ऑन माय चैनल व्हेन आई ब्रॉडकास्ट. मुझसे एक गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि जो इंटरनेट पे मुझे जो रिसर्च मैंने की जो मुझे दिखी, तब तो आपका नंबर नहीं था मेरे पास, तो मैंने बोल दिया जी योर फैमिली योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन आर देयर, बट उन्होंने जी बाद जी में शी वाज काइंड हाँ इनफ, ये कुछ आपने कुछ मुझे लोगों ने रौनक किया था ये, आप भी जाहिर है जो था देखा आपने आपने वही दोहराया, तो इसलिए मैं लेट्स आपकी गलती क्लैरिफाई इट डायरेक्ट ऑन दिस नहीं प्लेटफॉर्म मानूंगी. नाउ दैट यू आर हियर. जी जी बिल्कुल, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मेरी शादी नहीं हुई है, आई हैव नेवर एवर बीन मैरिड, आई एम वेरी मच सिंगल एंड आई एम नॉट रेडी टू मिंगल बिकॉज माय दैट एज इज क्रॉस्ड, बट यस आई डोंट हैव अ हस्बैंड, आई डोंट हैव एनी किड्स, आई एम नॉट मैरिड. ये बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये तक मतलब इल्जाम लगा दिया कि जब हस्बैंड हैं और जवान बच्चे हैं तो फिर ये फाइनेंशियल हेल्प क्यों मांग करेक्ट. रही हैं. हाँ, और उस वजह से वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोगों को लगता है कि झगड़ा हो चुका होगा या कुछ होगा, तो जी कौन जी करता जी है. जी तो तो वो चलिए, ये तो गलत बात क्लैरिफाई है कि इस हो तरह गया. से जब तक के जिन लोगों ने ये बात फैलाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा अगर किसी के भी बारे में, मेरे ही नहीं किसी के भी बारे में कुछ कहना है तो पहले क्लेरिफाई कर लीजिए, आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए फैक्ट्स रियल हैं कि नहीं है, क्योंकि इस तरह से रौनक क्या हो जाता है कि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये बढ़ तो वाइल्ड जाती है. फायर की तरह फैलता है बल्कि फिर. कुछ लोगों ने मुझसे यहाँ तक कहा रौनक कि फाइनेंशियल हेल्प हम करना चाह रहे थे या हमारे फ्रेंड्स करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे शी इज मैरिड, शी इज गॉट किड्स, तो अब क्या जरूरत है करने की. तो एक तरह से देखिए मेरा वो फाइनेंशियल नुकसान भी तो हो गया ना, कि मेरी कोई हेल्प करना चाह रहा था लेकिन बैकआउट कर गए हुआ नहीं. हाँ, सही कि नहीं बात है. हम मैंने क्यों क्लैरिफाई करें, हम नहीं करना चाह रहे. तो ये चीज क्लियर है कि जी आई एम नॉट मैरिड एंड आई डोंट हैव एनी किड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम. यस, एंड आई एम हैप्पी टू हियर दैट. और दूसरी बात ये भी थी कि आपको हमने, मतलब मैंने तो जैसे बचपन से आपको देखा है 90s में, जी हॉरर जी शो से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत ही उसी लाइन से की थी, दैट एक बहुत ही खूबसूरत एग्जैक्टली चेहरा जी और शो बहुत, हाँ जी बहुत अच्छा था अनुपता वो. अली का जो हमने देखा है जी टीवी पे, जी जो स्टार्ट किया था जब 90s में. जी जी तो जब आप इतने सालों आपने काम किया है, तो वॉट सडनली वेंट रॉन्ग, लाइक बिकॉज यू मस्ट हैव मेट द हूज हू ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीविजन हो बिल्कुल या फिल्म इंडस्ट्री. रौनक बहुत अच्छे, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, छोटे जो मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो डिफरेंशिएट किया जाता है ना लोगों को, कहा कहा जाता है ये छोटी फिल्म है, ये बड़े बजट की है, ये छोटी है, लेकिन मैंने छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ काम किया, बड़े स्टार्स के साथ काम किया. टेलीविजन आई वर्क विद द बेस्ट ऑफ द क्राउड
एंड मुझे खुद नहीं पता चला रौनक कि व्हाट वेंट रॉन्ग, यू नो, कि सडनली ये पिछले 4 साढ़े 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने मेरे लुक टेस्ट फाइनल हो जाते थे, लेकिन कोई ना कोई रीजन, कभी मेरी तरफ से ना हो जाए तो कभी मुझे समझ प्रोडक्शन नहीं की तरफ आती से। कि ऑडिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर किसी को, अगर आपका ये काम मैं सबने देखा है। लुक टेस्ट मैं समझ सकता हूँ, बट व्हाई हाँ, ऑडिशन? लेकिन ये ऑडिशन ये कहकर लिया जाता है कि नहीं मैम वो जरूरी है, वो चैनल मांगता है हमसे, या नहीं हमें दिखाना है फला फला को या कोई पोजीशन किसी का नाम लेकर। तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि जब हमने इतना काम किया है तो ऑडिशन देने का मतलब क्या बनता है। अब एक तो तक जगह जब मैंने पुरानी मना किया ना, स्क्रिप्ट। मैंने मना किया रौनक, तो क्या हुआ कि उन्होंने बहुत गलत वे में वो मैसेज पहुंचाया प्रोडक्शन हाउस तक अच्छा, कि शी शोइंग एटीट्यूड, वो ऑडिशन के लिए नहीं आना चाह रही हैं और वो मना कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मुझे ये कहिए कि आप एक फाइनल मीटिंग कर लीजिए डायरेक्टर के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ, क्रिएटिव्स के साथ, उसके बाद आप कहिए कि भाई ये लुक है शगुफ्ता जी, साड़ी सीधे पल्लू से पहननी है, उल्टा राइट। पल्लू पहनना है, आपको वाइटनर देना है, या आपको लाइट मेकअप करना है या हैवी मेकअप करना है, तो मैं वो फाइनल लुक आपको देने को तैयार हूँ लुक कि टेस्ट समझ आती है मैक्सिमम। बात। हाँ कि लुक लुक टेस्ट है, फाइनल लुक टेस्ट है तो मैं समझू, लेकिन मैं फिर भी गई ऑडिशंस पे रौनक, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज्यादा बात फैल जाए कि भाई वो ऑडिशन पे ही नहीं आ रहे हैं तो नहीं होना फॉरगेट इट, चाहिए। डोंट कॉल हर। तो मैं गई, मैंने ऑडिशंस भी दिए, मैंने फाइनल लुक टेस्ट भी दिए, बट आई थिंक इट वाज डिस्टाइंड रौनक कि आई डोंट नो व्हाई बेटा, लेकिन बहुत तकलीफ है मुझे इस बात से कि इनिशियली मैं ये सोचती चली गई कि नहीं नहीं चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, चलो एक जगह ना नहीं, हुआ, दो जगह, तो चार मेन ही जगह, तो दूसरा। लेकिन हाँ जब हाँ कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमारा शुरू डे वन से ही है, व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री इटसेल्फ, के यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लक काउंट करती है, तो आई थिंक 32 ईयर्स तो लक बहुत अच्छी चली, लेकिन ये 4 सालों में जो मेरे 36 ईयर्स कंप्लीट किए इसमें में, तो मेरे ख्याल में ये 4 साल मेरे डेस्टिनी में लिखे हुए थे कि ये टॉर्चर और ये स्ट्रगल ये सारा कुछ दोबारा से बट लिखा व्हाई रहा था। डिडंट यू रीच आउट अर्लियर टू, यू नो, टू द मीडिया एंड द मैं वेट पीपल, करती लाइक सोशल रही ना रौनक, मीडिया? आई वाज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग, इवन एज फार एज माय हेल्थ इज कंसर्न, मैं हेल्थ इश्यूज को भी सोच रही थी कि नहीं ये भी ठीक हो जाएगा, चलो ये भी ठीक हो जाएगा, सेम वे मैंने अपने करियर के हिसाब से भी सोचा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है वर्कआउट 4-5 महीने, कई मरतबा ऐसा होता है कि एक लो फेज आ जाता है और इंसान को ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करेगा, तो वेटिंग पीरियड मेरा बढ़ता चला गया, एंड देन एक होता है ना कि सबर का बांध टूट जाता है, फिर जब बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बिल्कुल उस नौबत पे आ गई कि अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब कुछ मतलब, यहाँ तक के सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ है तब तक एक फिल्म की बात हो गई थी, बस यकीन मानो कि अगले दिन या नेक्स्ट 2 डेज में मुझे साइनिंग अमाउंट मिलने वाला था, मेरे जो मैनेजर है बाबू भाई थीबा जी, उनके थ्रू वो फिल्म हो रही थी सारी कुछ, तो पैसे तक मिलने वाले थे और वो लॉकडाउन सडनली हुआ है बॉम्बे में और वो प्रोजेक्ट ही मतलब फिलहाल के लिए तो बंद है, तो वो मेरे लिए एक और जैसे झटका, जैसे फाइनल झटका वो था मेरे दिमाग और दिल के लिए कि नहीं अब तो मुझे फिर मुंह खोलकर बोलना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई विल हैव टू फेस द वर्ल्ड, आई विल हैव टू कम आउट इन द ओपन एंड टेल पीपल विद दैट स्ट्रेंथ एंड उतने करेज से मुझे फेस करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स मेरे हैं। शगुफ्ता जी, आपके इतने बड़े करियर में आपके कुछ दोस्त बने होंगे, कुछ ऐसे आपके रिलेशंस जो एकदम सॉलिड हुए होंगे टेलीविजन इंडस्ट्री में, उनके साथ कोई आपका रابطہ हुआ या कुछ, डिड यू रीच आउट टू हाँ, दे? रब्ता हुआ काफी लोग जो मेरे, मैं उनको जाहिर करीब में ही गिनती हूँ, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन जो बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ लोग थे जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टेलीविजन का साथ तो है ही है, लेकिन पर्सनली मेरे करीब थे वो, लेकिन सडनली मैंने एक रवैये में बदलाव देखा उनका कि मतलब ये क्या कर दिया शगुफ्ता अली ने, आफ्टर यू मैंने रीच कहा आउट। यार आई हैव कम आउट विद माय, हाँ कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी अप एंड फाइंडिंग आउट कि व्हाट यू नो सडनली, या सडनली भी नहीं बल्कि उनको तो पता था पता ही कि भाई था। काफी अरसे से मेरा बुरा वक्त चल रहा था, तो ये पूछने की बजाय कि भाई हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, उल्टा एक किनारा कर एक्यूजेशन। लेता ना इंसान जैसे, हाँ। तो ऐसा फील हुआ मुझे रौनक कि पीपल वर सम ऑफ देम जस्ट वेंट अ लिटिल ड्रिफ्टेड अवे, हाँ, और एम्बेरेस हो तो गए कि मैंने आपने कैसे मदद मांगी। हाँ, कि मैंने मदद मांगकर, मैं मुझे लग रहा मैंने कोई गलत नहीं किया रौनक, नहीं, बिल्कुल और नहीं।
मैं कह रही हूँ 96% लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं बहुत बेहतर किया आपने, बहुत सही किया आपने, यू आर राइट एंड यू डिड द राइट थिंग. बट वो जो तीन चार परसेंट लोग जो थे उनका ये रवैया मुझे इनिशियली एक दो दिन मुझे बहुत अजीब सा लगा, नहीं शगुफ्ता जी, मैं हर्ट आपको भी एक बात हुई. बता रही हूँ, जी देखिए ये लोग जो आपको बोल रहे हैं ना, दीज आर द सेम पीपल हु विल इन केस लाइक यू नो समथिंग बैड हैपेंस टू यू एंड और एनी जी ऑफ अस लाइक यू नो फॉर दैट मैटर हु इज रिक्वायरिंग हेल्प एंड टुमारो समथिंग रियली बैड हैपेंस विद अस एंड लेट्स से वी आर नॉट देयर टू फेस द वर्ल्ड एनी मोर, वी हैव गिवन अप जी जी और वी आर गॉन, जी यही सेम लोग आके बोलेंगे अरे यार मुझे बोल दिया होता, हम तो यही थे, हम हेल्प कर देते। कह रहे हमसे बोलती तो हम कर देते. बॉलीवुड में वी हैव सीन पीपल यू नो डाइंग अ टेरिबल डेथ यू नो एंड एंड हैविंग अ जी टेरिबल एक टेरिबल मकाम पे पहुंचते हुए एंड देन इवन बिल्कुल लाइक यू नो वेदर यू आर इन मीडिया और यू आर फैन और यू आर को एक्टर यू हैव गॉन गॉट चिल्स डाउन योर स्पाइन, जैसे जब कुछ बिल्कुल केसेस तो हमने बिल्कुल देखे हैं कि यार जी इतनी बुरी हालत हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी है बॉलीवुड एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी इन, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर इंडस्ट्री जहाँ पे आपको हर महीने सैलरी मिलती है और एक जी जी पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट होता है, ग्रेचुटी होता है, जी बिल्कुल प्रोविडेंट फंड होता है, यहाँ यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट शॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा. बिकॉज मुझे ये लगा कि अगर मैं नहीं ओपन में आती, अगर मैं नहीं खुलकर कहूंगी, और ये मेरी फैमिली है, मैंने यही काम किया है 36 साल. 36 साल मैं बच्ची बहुत थी बड़ी जब बात मैंने है एंटर आपकी। किया. 36 साल इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी कि 36 years ऑफ योर लाइफ यू हैव गिवन योर हार्ट एंड सोल एंड ब्लड टू द इंडस्ट्री, और मैं उस इंडस्ट्री उस फैमिली से मदद ना मांगकर किससे मांगू फिर मैं मदद. करेक्ट मैं करेक्ट, उन्हीं को कहूंगी, उन्हीं से शेयर करूंगी कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, क्या क्या कर सकते हैं आप लोग. मैं ये नहीं कहूंगी कि ईच एंड एवरी वन हैज टू कम टू माई हेल्प. देखिए मुझे जितने की जरूरत थी रौनक, मैं आपसे ऑनेस्टली कहूँ कि मुझे अगर 100 रुपए चाहिए थे तो इस वक्त जो मदद आई है वो मेरे पास समझ लीजिए 60-65 रुपीज आई है. करेक्ट 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 अभी भी मुझे 30-35 रुपीज चाहिए वो 100 रुपए कंप्लीट करने के लिए, मेरी जरूरतें पूरे करने के लिए, मेरे कर्जे दूर करने के लिए. लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि अगर कुछ हो गया तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो मेरा काम तो है ही, मुझे काम दीजिए. मुझे आप काम देंगे, मुझे फिल्में करनी है, मुझे सीरियल्स करने हैं, मुझे काम मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो 30-35% भी मैं ओवरकम कर लूंगी नो इंशाल्लाह. मुझे मुझे एक बात लेकिन हमेशा ये लगती है फिल्म इंडस्ट्री जी में खास करके कि यू नो दे से डोंट कॉल अस बॉलीवुड, कॉल अस द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट व्हेन यू आर इन जी इंडस्ट्री यू हैव टू बिहेव लाइक एन इंडस्ट्री, यू हैव टू हैव बॉडीज विच आर नॉट जस्ट ऑन पेपर, दे हैव सर्टन पावर, दे हैव जी सर्टन यू नो स्ट्रेंथ इन देम टू मेक डिसीजंस एंड रेगुलेट एंड यू नो इम्पोज दोज रेगुलेशंस के ये चीज होनी चाहिए, एनफोर्स करे लॉ को कि जी जो अमुक एज के आगे जो एक्टर्स हैं उनको इतना काम या इतना ग्रेचुटी टाइप मिलना चाहिए, क्योंकि जी उन्होंने 30 इयर्स बिल्कुल समझो आपने 100 एक होना चाहिए कि 50 सीरियल्स कर लिए या 50 एपिसोड या जितने भी एपिसोड्स कर लिए, इतना आपने काम, जी इतना स्क्रीन टाइम आपको दे दिया, आपने दे दिया लाइफ का, तो बाकी की जो जी आपकी जिंदगी आपकी ऑफ स्क्रीन टाइम है वो ये बॉडी जो है वो हाँ ये आपका हमारी ये जो हमारे मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए रौनक, क्योंकि हाँ वही लोग कुछ कर पाएंगे. बिल्कुल और जो हमारी जो फेडरेशंस हैं, जो यहाँ पर है या प्रोड्यूसर्स की, जितनी भी डायरेक्टर्स है की, टेक्नीशियंस की, आर्टिस्टों की, जो एसोसिएशंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, उन सबको ये चीज आगे बढ़ानी चाहिए कि चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए सही जहां पर बात है लगे कि बिल्कुल हाँ भाई हमने भी इतने साल सर्व एक पीरियड आप वो कर लीजिए ना, बांध दीजिए कि भाई इतने साल के बाद इन लोगों को एक सर्टन अमाउंट या सर्टन चीज जैसे पेंशन मिल जाए। मिलती है हाँ लोगों और को, इतना काम भी इस इनको तरह की मिलेगा, कोई इनको ना कोई ऑडिशंस नहीं मॉनेटरी. देने जी पड़ेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल, कि या तो फिर ऐसे हो कि कंफर्म कुछ ऐसा काम आए, ऐसी चीजें हो आपके साथ जो आपको लगे कि हाँ भाई श्योरिटी एक हो, जैसे राइट एक एक इनसिक्योरिटी जो है वो दूर हो जाए लोगों की. करेक्ट, और आपकी और देखिए इनसिक्योरिटी आपको बहुत बड़ी चीज होती है, वो बहुत दूर होनी ज्यादा बहुत जरूरी होती है, और बहुत लोग पॉजिटिव नहीं सोचते हैं तो वो और करेक्ट ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाती लोग, एब्सोल्युटली। और आप तो वो सोचिए आप तो मुश्किल हो नॉन जाती. फेस हो, आपका फेस तो सबने देखा हुआ है पूरी दुनिया ने, जी लेकिन ऐसे बिल्कुल कितने बिल्कुल टेक्नीशियंस होते हैं जो इतना काम कर चुके हैं आपसे भी ज्यादा शायद, लेकिन वो जी जब मदद मांगेंगे तो शायद इतने लोग ना सामने आ पाए।
ना सामना है, बिल्कुल बिल्कुल वही अफसोस की बात है कि ऐसा जरूर कुछ होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचे बहुत बड़े तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि लोग गए और लोग वहां पर मीटिंग हुई और चाय पी साथ में और फोटो खिंचवाए और वापस आ गए, नहीं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं, सब लोग, मेकअप डिपार्टमेंट वाले हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, मतलब देर आर राइट पीपल हु आर वर्किंग विदाउट कार्ड्स एंड विदाउट परमिशंस एंड एवरीथिंग, उनको काम मिल जाता है और जो बेचारे डिजर्व करते होते हैं उनको नहीं मिलता है काम। अब सोचिए कि अगर 200 ऑडिशंस लिए हैं उसमें से अगर मैं, मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई मैं फाइनलिस्ट में आ जाऊंगी, लेकिन जो मुझसे कम डिजर्विंग है वो जब फिक्स हो जाते हैं आर्टिस्ट, तो बड़ा अफसोस होता है कि अरे यार इमेजिन अब इससे बेहतर तो मैं ही कर पाती थी। हाँ, और अफसोस से भी ज्यादा एक ये भी लगता है ना कि मैंने आई एम शगुफ्ता अली, आई हैव डन सो मच एंड दिस पर्सन डजंट यू नो लाइक लिटरली डजंट होल्ड अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ हेलो। एग्जैक्टली हाँ कि तो वो अफसोस होता है, नहीं, यू वो हैव एवरी तकलीफ राइट टू होती है फील उस बैड समय। अबाउट इट, फॉर श्योर। या जी 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 बिल्कुल बुरा लगता है। तो ऐसा कुछ हो के, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे बस में हो तो मैं तो कहूँ रौनक कि सबको काम मैं तो दे दूँ कि नहीं भाई चलो यार अच्छे से मिल बांट के सब कुछ काम करें। राइट कितने गिने गिने चुने कितने आर्टिस्ट हैं पूरे मिलाकर इंडस्ट्री में, 6,000 होंगे, 7,000 होंगे आर्टिस्ट, तो उनके लिए अगर कुछ नहीं कर पाती है, मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री को जरूर इंटरफेयर करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए। आई होप, आई विल डेफिनेटली कीप माय फिंगर्स क्रॉस के कुछ ना कुछ हल निकले और मेरे साथ साथ और भी लोगों को जो जो तकलीफ में हैं उनको भी सहायता मिले। ठीक है, चलिए, बिफोर आई क्लोज द इंटरव्यू आई जस्ट स्टिल वांट टू आस्क यू, कोई ऐसे अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो आपको अगर एक्सपीरियंसेस, या बिकॉज आपने इतना काम किया है तो अगर आप वो शेयर करना चाहेंगे एंड टेक अस डाउन द मेमोरी लेन क्विकली। ऐसे तो रौनक माशाल्लाह बहुत बहुत सारी मेमोरीज हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। बल्कि मतलब समथिंग दैट एच्ड इन योर मेमोरी, योर सी फर्स्ट आई विल शॉर्ट बी फिल्म। वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा ब्रेस्ट कैंसर का सिलसिला हुआ था उन दिनों, नीना जी वाज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट काइंड पर्सन, सच अ लवली पर्सन शी नीना इज, गुप्ता, शी इज अ गुड डायरेक्टर, नीना गुप्ता जी। ओके, तो वो उन्होंने जो उस वक्त जिस अंदाज से मेरी मदद की थी और काम को लेकर, के मैंने कहा, बोले काम करना है अशोक गुप्ता, मैंने कहा बिल्कुल करना है नीना जी। तो उस दौरान हम सांस कर रहे थे एंड राइट, वो वाली सीन रौनक, इट आल्सो, वाज यस। आई स्टिल यू नो हैव गूज बम्स एंड मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस कदर उन्होंने मेरी मदद की थी, इस तरह से मदद की थी कि मतलब किसी को पता भी नहीं चला सेट पर, और नीना जी ने अपना काम कर दिया था कि बस बोले, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे पता, तूने बता दिया मुझे, ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो बोले मुश्किल हो जाता, फिर बोले तू कैसे कर पाती। और उन्होंने बहुत मेरी मदद की थी उस जमाने में भी, और अब भी नीना जी दोबारा एक बार खड़ी हुई मेरे साथ, और ये तो खैर इंटरव्यूज देने से पहले ही नीना जी ने मेरी हेल्प कर दी थी पिछले साल। नहीं, तो नीना जी पिछले तो साल ऑफकोर्स आई हैव मेट हर, मैंने कमजोर कड़ी कौन जो करती जी थी, तो आई एज अ जी चाइल्ड आई जी पार्टिसिपेटेड इन दैट हाँ, एच, मैंने भी आई अच्छा पार्टिसिपेट किया था उसमें, कमजोर कड़ी आपने कौन किया मैं। था, जी ओके। मैं तो पहले जी ही राउंड जी में आउट हो गया था, तो नीना जी ने अच्छा बोल दिया अच्छा था अपनी टिपिकल स्टाइल में, आप जा सकते हैं रौनक, आपकी रौनक आप जा खत्म, आपकी रौनक सकते खत्म, बोल दिया था। यस, बट आई दैट वाज अ लव हर शो, स्टाइल। दैट शो हाँ रिक्वायर्ड दैट, राइट, ऐसे होना था यस यस वो यस, वो शो। था उस तरह का, थोड़ा स्टर्न और थोड़ा रूड होना या पड़ता था उनको। या तो इट तो वाज द नीना वीकेस्ट जी लिंक का हैज था बीन अ ना। वेरी, मेरे लिए ये मेमोरी मेरे लिए हमेशा दिल में, मतलब मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक नीना जी की एक बहुत बहुत खास जगह मेरे दिल में रहेगी, और मैं कुछ चीजें उन्होंने जो मेरे साथ की हैं वो मैं कभी, मैं मेरी मम्मी हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। और अल्लाह राइट, उनको बहुत कामयाबी दे, उनकी उम्र दराज हो, और अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब और खुश रखे, मेरी हमेशा दुआ है उनके साथ। वो खुद भी तो शी केम आउट ना, लाइक व्हेन सो मेनी थिंग्स, जी लाइक जी शी जी हरसेल्फ हैड गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ, जहां पे शी व्हेन शी जी नीडेड जी सपोर्ट शी वाज जी वेरी वोकल अबाउट इट, एंड आई थिंक शी अ जी वेरी जी 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 इंडिपेंडेंट जी वुमन। जी और तो प्लस तो हाँ, मतलब ऑब्वियसली शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड शी कैन जी शो द वे टू अदर पीपल ऑल्सो। और बिल्कुल बिल्कुल, आई डू ऑलवेज गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम नीना जी, आई गेट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हर ऑलवेज।
तो ये ऐसी इस तरह की चीजें जो है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती रौनक। और हाँ कुछ कुछ हादसे तो ऐसे भी हुए हैं जो जो इतने ज्यादा मतलब जालिम इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं लफ्ज, कि ऐसे लोग भी मिले उस दौरान जिन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया, और मैं उन लोगों को भूल चुकी हूँ जिंदगी में। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती और वो यादें भी नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए जो जो अच्छी चीजें हुई है मेरे साथ बहुत ज्यादा, उस जमाने में जब मैं फिल्म्स किया करती थी तो मोहन भाकरी नाम के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे जो हॉरर फिल्में बनाते थे और कॉमेडी सीरियल्स और पंजाबी फिल्में बनाते थे। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी एक जमाने में, तो उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। अब वो सेटल हो गए हैं पूना में। एंड मजहर भाई, आई रिमेम्बर हिम अलॉट बिकॉज ही इज नो मोर नाउ एंड समहाउ वी आर रिलेटेड। तो ही वॉज, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ भाई, हिम। यू मजहर मीन खान, जीनत अमान के हस्बैंड? जीनत हसबेंड, जी, जीनत हसबेंड। उनको मैं बहुत याद करती हूँ कि उन्होंने अपनी फिल्म गैंग में मुझे, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग अ न्यू कमर, ही हैड टेकन मी इन हिज फिल्म गैंग एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रोल। एंड उसके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई, कि उसके बाद जैकी ने बहुत रिकमेंड किया मुझे। ही वॉज लाइक इन अनदर एल्डरली ब्रदरली फिगर, यू नो, के यस ही इज देयर, यू नो, ही केप्ट रिकमेंडिंग माई नेम फॉर ऑल गुड इम्पोर्टेंट रोल्स, वेदर इट वॉज अ सिस्टर्स रोल और एनी अदर गुड रोल इन द फिल्म, ही वुड ऑलवेज रिकमेंड माई नेम। एंड गोविंदा वॉज अनदर वन हु ऑलवेज रिकमेंडेड माई नेम एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म बिकॉज ऑफ हिम। सो दीज राइट, पीपल हैव बीन वेरी वेरी नाइस टू मी, सो आई कैन नेवर फॉरगेट देम, यू नो। आप इट्स सोच लाइक सकते हो, आई एम लकी। आप सोच सकते हो, गोविंदा जैसा स्टार जिसने मतलब जी 90s को लिटरली रूल किया था, ही हैड कम बिल्कुल, आउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक एंड सेइंग दैट ही डिडंट हैव वर्क, लाइक यू नो डायरेक्टर्स बहुत हु हैव वर्क अफसोस। विद हिम लाइक डेविड धवन, दे ओनली टॉक एंड दे जी डोंट कम आउट. सो जी जी मेनी जी एक्टर्स हैव कम आउट, बॉबी बिल्कुल देओल बिल्कुल, की ये थोड़ी बदनसीबी वाली बात है कि हमारे यहाँ ये चीजें होती हैं। बातें करते हैं लेकिन सोचिए, या आप हमारे सोचिए ना मिलके कि कुछ करते कितनी हैं, बट कुछ कितने अफसोस की बात है कि गोविंदा जैसा, मतलब अनबिलीवेबल यार, इट्स लाइक ही हैज बीन वन ऑफ द मेगा स्टार्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। उसने रूल किया इंडस्ट्री को कितने साल तक, उसने हर फिल्म, हर दूसरी फिल्म उसकी हिट होती थी। एंड ही वाज अ वेरी हेल्पफुल गाय, ही यूज्ड टू, एक टीम लेके चलता था वो भी, कि इवन चीची वाज ऑलवेज लाइक दैट, कि भाई अच्छे लोगों के साथ काम करूं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कि नहीं यार ग्रुप ग्रुप होना चाहिए अपना। एक फिल्म में अच्छा लगा काम, अगली फिल्म में भी रिपीट करो यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी आर अ फैमिली, लेट्स वर्क टुगेदर। बट यू नो तो एक ऐसा बॉलीवुड में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो मेरे हिसाब से जितना जी मैंने कवर किया है देखा है, यू हैव टू जी बी इन सम और द अदर कैंप, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिग विच यू लेकिन नो रौनक, रेकमेंड यू, मैं तो कभी किसी कैंप में नहीं थी, लेकिन मैंने इसीलिए तो तो ना. इंडिविजुअली, हाँ मैं तो कैंप में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत काम किया ना। अच्छा हाँ 32 साल तो मैंने किया ना जम के काम, हर हाँ तरह के प्रोड्यूसर नहीं, के लेकिन साथ अगर काम आप किया। बड़े लेवल पे हो ना, तो वो चलता है, लाइक कि आप एक ग्रुप के उसमें हो तो आपको बहुत फायदा होता है उससे. और हाँ, लाइक इट्स अ फील्ड वेयर पीपल डू हैव इनसिक्योरिटीज, एंड आई मायसेल्फ हैव डन सीरियल्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मुझे पता है जी सेट्स पे कैसा माहौल होता है और कितना लोग जी यू नो कट थ्रोट होता है कभी कभी बहुत ज्यादा. और आज तो जी जी ऑफकोर्स विद सो मच हैपनिंग, ऑफकोर्स हाँ, अब अपना तो तो खैर इन चलो, मैं ये मानती हूँ कि आपका दौर बहुत डिफरेंट है। शायद सिंपलर जो हमारा दौर था वो थोड़ा डिफरेंट था, था. तो हम लकी थे कि चलो भाई उस दौर से भी हम गुजरे, लेकिन ये दौर थोड़ा जैसे भारी पड़ रहा था, कि इस चीज में ऐसा है कि भाई हम अच्छा काम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम काम नहीं जानते और हम काम मांग रहे हैं। हम काम कर सकते हैं, हमारे हमारा इंटेंशन काम करने का है, हार्ड वर्किंग है, कंपैशनेट है अपने काम के बारे में, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, तो हमें मिलना चाहिए काम। ये हक की बात हो जाती है राइट, कि एंड फिर हम आई हक से होप, मांग सकते हैं। आई होप जी कि दैट हैपेंस नाउ दैट यू आर आउट एंड अबाउट वंस इंशाल्लाह अगेन. सो गॉड विशिंग इंशाल्लाह। यू अ लॉट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. थैंक यू रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर और कमिंग टू मी. सारे जितने मेरे जो फैंस हैं और जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे लिए दुआएं जारी रखिए प्लीज, और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमेशा चाहिए होगी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज 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 पुट योर कॉमेंट्स डाउन, योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और उसी के साथ शगुफ्ता जी, थैंक यू सो मच, एंड टू टुडे थैंक यू ऑफ ऑल रौनक, डेज वी हैव टू से जय हिंद. आई ऑलवेज एंड माय जय बाय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओके जी, बाय बाय। बाय.
Thank you.